हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2021 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अकेले ऐसे अवतार माने गए हैं जिनका जीवन विशेषकर उनका बचपन कई लीलाओं से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण जी के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए भक्त व्रत उपवास कर रात 12 बजे तक जागरण कर पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी व्रत तिथि होगी 30 अगस्त सोमवार को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त रात्रि 11:25 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त सुबह 1:59 पर। निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 11:59 से 12:44 तक। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 30 अगस्त सुबह 6:39 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 31 अगस्त सुबह 9:44 पर। जो लोग अगले दिन सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण करेंगे उनके लिए पारण मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 5:59 होगा। जो लोग निश्चित काल पूजा के बाद पारण करेंगे उनके लिए पारण का समय 31 अगस्त सुबह 12:44 होगा। जन्माष्टमी पूजा विधि। यह व्रत अष्टमी तिथि के दिन उपवास से शुरू होकर नवमी तिथि को व्रत के पारण के साथ संपन्न होता है। जो लोग यह व्रत करते हैं वे उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को प्रणाम कर पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। मध्याह्न के समय पुनः स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और वहां सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा या सुंदर चित्र स्थापित करें। कृष्ण जन्म के बाद गोपाल की प्रतिमा को सबसे पहले गंगा जल, दूध, दही, घी, फिर शहद से स्नान कराकर विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर उनकी प्रिय चीजों से उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और झूला झुलाएं। अंत में आरती कर पंचामृत को प्रसाद के रूप में वितरण कर व्रत पूरा करें। पूजा में जरूर रखें ये चीजें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप के पूजन का विधान है। पूजा में कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि आज के दिन बाल गोपाल की प्रतिमा का पूर्ण श्रृंगार कर उनकी पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पूजा में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के लिए पालना या झूला, नए वस्त्र, मोर पंख, बांसुरी, माला, पायल आदि चीजें जरूर शामिल करें। इसके अलावा भोग में माखन मिश्री, पंचामृत व तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। जय श्री कृष्ण।